वेलकम दोस्तों, आइए हम एल्यूमिनेशन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम एल्यूमिनेशन क्या होता है, एल्यूमिनेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे हम। एल्यूमिनेशन प्रदीप्ति प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल तक की लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा उस तल की एल्यूमिनेशन कहलाता है। इसे ई से शो करते हैं, ई इक्वल एफ अपान ए होता है। ई इसमें एल्यूमिनेशन है जिसकी यूनिट है लक्स में है। एफ इसका एल्यूमिनेशन फ्लक्स कहा जाता है जिसकी यूनिट लूमेन होती है। और ए को शो किया गया है तल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। इसे मीटर या कैंडेला भी कहते हैं इसकी यूनिट। एल्यूमिनेशन में क्या है, एल्यूमिनेशन का अर्थ सही रंग, सही मात्रा, सही दिशा में आने वाली प्रकाश जो हमारी आंखों के लिए उपयुक्त हो। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, कमरे का एल्यूमिनेशन किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दीवार के रंग पर, ऑप्शन बी उपर्युक्त प्रवर्तक के रंग पर, ऑप्शन सी छत और दीवार के रंग पर, ऑप्शन डी छत के रंग पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत और दीवार के रंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे इल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश खाली स्थान होता है, मध्यम, विसरित, ऑप्शन सी एक समान व प्रकाश, ऑप्शन डी अच्छा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु कितनी होती है। ऑप्शन ए 2000 आवर, ऑप्शन बी 3000 घंटे, ऑप्शन सी 4000 घंटे, ऑप्शन डी 10000 घंटे। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब उसकी एज होती है 3000 घंटे, तो इसका आंसर भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मानव नेत्र कितने तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आवश्यक है। जो मानव का नेत्र है, ऑप्शन ए 4000 एम्पियर, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी 2500 एंगस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी 3500 एंगस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी 5500 एंगस्ट्रॉन्ग। ध्यान रहे यह ए एंगस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, ऊपर बिंदु लगेगा। इसका राइट आंसर होगा 5500 एंगस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति की मैट्रिक इकाई क्या है। ऑप्शन ए घनकोण, ऑप्शन बी लक्स, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी ल्यूमेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है। ऑप्शन ए निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप, ऑप्शन बी उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, ऑप्शन सी टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। इंग्लिश में कहा जाता है इसे लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन, कैंडला निम्न में से किसकी इकाई है। ऑप्शन ए ज्योतिमयता, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता। तो जो कैंडेला इकाई है जिसे इसी इसकी इकाई जो है लुमिनस इंटेंसिटी की, लुमिनस इंटेंसिटी जिसे ज्योति तीव्रता कहा जाता है। ऑप्शन डी जलती हुई ट्यूबलाइट में यदि स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूबलाइट क्या होगी। ऑप्शन ए कम प्रकाश देगी, ऑप्शन बी बुझ जाएगी, ऑप्शन सी जलती रहेगी, ऑप्शन डी ट्यूबलाइट खराब हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जलती रहेगी, क्योंकि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दो तो वो जलती ही रहती है, आपको रोशनी कंटिन्यू मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, 40 वाट ट्यूबलाइट की लंबाई निम्न में होती है। तो 40 वाट की जो ट्यूबलाइट है उसकी जो लेंथ होती है, ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 1.2 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर और ऑप्शन डी 2 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 1.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरकरी वाष्प लैंप की आयु कितनी होती है। मरकरी वेपर लैंप की एज जो होती है,
ऑप्शन ए 3000 घंटे, ऑप्शन बी 1500 घंटे, ऑप्शन सी 1000 घंटे, ऑप्शन डी 500 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा ए 3000 घंटे मरकरी वेपर लैम्प की एज होती है। क्वेश्चन नंबर 11, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? ऑप्शन ए 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 7800 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 9800 एंगस्ट्रॉम से 11000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 11000 एंगस्ट्रॉम से 13800 एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लैंप की दक्षता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए लक्स पर वाट में, ऑप्शन बी ल्यूमेन पर वाट में, ऑप्शन सी वाट में, ऑप्शन डी कैंडेला में। तो किसी भी लैंप की जो दक्षता है, उसकी इफिशियंसी है, उसकी इफिशियंसी ल्यूमेन पर वाट में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 0 वाट लैंप में शक्ति व्यय लगभग में कितना है? तो ऑप्शन ए 0 वाट, ऑप्शन बी 5 वाट, ऑप्शन डी सी 10 वाट, ऑप्शन डी 15 वाट। तो जो 0 वाट का जो लैंप होता है वो 5 वाट का होता है। उसमें जब पावर लॉस होगा ये 5 वाट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में ऑप्शन ए हाई इंडक्टेंस है, ऑप्शन बी हाई कैपेसिटेंस है, ऑप्शन सी हाई रेजिस्टेंस है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लोड को स्विच ऑफ करने पर उसमें जो स्पार्किंग होती है वो होता है हाई इंडक्टेंस के कारण, और इंडक्टेंस को एल से शो करते हैं, तो हाई इंडक्टेंस के कारण यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए अर्थ में, ऑप्शन बी फेस वायर में, ऑप्शन सी न्यूट्रल वायर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को लाइन के बारे में पता है, विद्युत लाइन में फेस वायर में स्विच को लगाया जाता है, वो भी सीरीज में लगाया जाता है, इसका ध्यान आप सभी को रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन फ्यूज का प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है क्या होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100 ओम, ऑप्शन सी 10 ओम, ऑप्शन डी इन्फिनिटी। तो जो ओपन फ्यूज का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनिटी, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियम वाष्प से प्राप्त होने वाला रंग क्या होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी हरा। तो मैग्नीशियम वाष्प जो मैग्नीशियम वेपर से जो प्राप्त होता है वो ग्रीन कलर होता है, हरा कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। ऑप्शन ए 1000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 2200 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इसमें जो 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 3400 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी 4500 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में होगा क्योंकि गलनांक की बात की गई है, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3400 डिग्री सेल्सियस। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है? तो ऑप्शन ए 500 से 1000 डिग्री, 1500 से 2500 डिग्री, 1000 से 1500 डिग्री, 2000 से 3000 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 1500 से 2500 डिग्री, क्योंकि जलते हुए जो फिलामेंट का जो टेम्परेचर है, जलते हुए फिलामेंट का, वो 1500 से 2500 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रचालित होता है? ऑप्शन ए एसी से, ऑप्शन बी डीसी से, ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है फ्लोरोसेंट ट्यूब एसी और डीसी दोनों में प्रचालित होता है, दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक रिहायशी कमरे के लिए आवश्यक इल्यूमिनेशन होता है? तो जो रिहायशी कमरा जो होता है उसका जो कितना लक्स होगा? ऑप्शन ए
50 से 60 लक्स, ऑप्शन बी 10 से 20 लक्स, ऑप्शन सी 100 लक्स, ऑप्शन डी 500 लक्स। तो ये जो लक्स है 50 से 60 लक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, इंडिकेटेड लैंप के पास खालिस्तान होंगे। तो इंडिकेटर लैंप के पास क्या क्या होगा? ऑप्शन ए फ्यूज या न्यूट्रल कनेक्शन, ऑप्शन बी अर्थ और न्यूट्रल कनेक्शन, ऑप्शन सी फेस कनेक्शन, ऑप्शन डी न्यूट्रल कनेक्शन। तो इसका जो होगा ऑप्शन ए फेस एंड न्यूट्रल कनेक्शन दोनों होंगे इंडिकेटर में, एक पॉइंट फेस का एक पॉइंट न्यूट्रल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्यूबलाइट का चोक खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए आयनन पर, ऑप्शन बी द्विधात्विक पर, ऑप्शन सी धारिता पर, ऑप्शन डी प्रेरकता पर। तो ट्यूबलाइट का जो चोक है वो प्रेरक पर ही काम करता है, जिसे बोलते हैं इंडक्टेंस या इंडक्टिव, इंडक्टिव के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24, एमकेएस प्रणाली में इल्यूमिनेशन की इकाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है इल्यूमिनेशन ल्यूमेन, ऑप्शन बी लक्स, ऑप्शन सी स्टेरेडियन, ऑप्शन डी ल्यूमेन स्टेरेडियन। इसका होगा आंसर लक्स। एमकेएस में इल्यूमिनेशन की इकाई लक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 25, एक बिजली के लैंप को 100 वाट 220 वोल्ट के रूप में मार्क किया जाता है, तो फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? तो आपने इसमें जो फार्मूला देखे होंगे, आर इक्वल वी स्क्वायर अपॉन पी, तो आर का मान 220, वी का मान है 220, और पावर कितनी दी हुई है 100 वाट। तो 220 का वर्ग बटे 100, तो कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, ये 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 22 कितना होगा? 484 इसका राइट आंसर आएगा, 484, 484 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस विधि से छाया पैदा नहीं होता है? तो किस विधि से छाया पैदा नहीं होता? ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में, ऑप्शन सी सामान्य प्रकाश व्यवस्था में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में छाया पैदा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस लैंप को पिग्मी लैंप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए नियॉन लैंप, ऑप्शन बी आर्क लैंप, ऑप्शन सी निर्वात धारित फिलामेंट लैंप, ऑप्शन डी गैस धारिकत्व फिलामेंट लैंप। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइट हाउस सर्च लाइट और सिनेमा प्रोजेक्टर में प्रयुक्त क्या होता है? ऑप्शन ए आर्क लैंप, ऑप्शन बी नियॉन लैंप, ऑप्शन सी टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लाइट हाउस है, सर्च लाइट है और सिनेमा प्रोजेक्टर में आर्क लैंप यूज किया जाता है, आर्क लैंप यूज किया जाता है, ये काफी महंगा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HPMV लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, इसका फुल फॉर्म होता है HPMV का, कि अंदर नली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी हेलोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसमें आर्गन गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहर चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए सर्किट के फेस तार में, ऑप्शन बी सर्किट के अर्थ तार में, ऑप्शन सी सर्किट के न्यूट्रल तार में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही इसका होगा, सर्किट के न्यूट्रल तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज विथ यू, थैंक यू।